हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में जो स्पीडी करंट अफेयर की जो मैगजीन है 2023 की, ईयरली 2023 की, उसके जो 812 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन है, ओके, और ये इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, ओके, इंग्लिश मीडियम में, ओके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे पहला जो करंट अफेयर है वो है, हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ओके। तो ये है आपके बी, मार्को बेंजाची जो है, इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, ओके। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी इन एशियन गेम, ओके। तो एशियन गेम में हाफ सेंचुरी लगाने वाली पहली फीमेल प्लेयर कौन बन गई है, तो यह आपकी शेफाली वर्मा, ओके। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च इन विच स्टेट और यूटी, इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 2023, किस स्पोर्ट में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम 2023 में, तो यह है आपका शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता गया है भारत के द्वारा एशियन गेम 2023 में, ओके। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नॉर्मन बॉर्लो फील्ड अवार्ड 2023, तो ये हैं आपके स्वाति नायक ने नॉर्मन बॉर्लो फील्ड अवार्ड 2023 को जीता है, इनको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए, ओके। कौन है? स्वाति नायक, ओके। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सजग कंडक्टेड ऑन 18 सितंबर 2023 इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन सजग नाम की एक ऑपरेशन चलाई गई 18 सितंबर 2023 को, ये किस से रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था इंडियन कोस्टल गार्ड से, ओके। कोस्टल गार्ड की एक ऑपरेशन थी जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन सजग, ओके। 18 सितंबर 2023 को ये ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे स्थित है ना, तो ये स्थित है आपकी मध्य प्रदेश में, है ना। और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश की, ये भारत की 54वीं टाइगर रिजर्व बन चुकी है ना। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द नंबर वन टीम इन ऑल थ्री फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, कौन सी ऐसी टीम है जो नंबर वन पे पहुंच गई है तीनों फॉर्मेट, जो क्रिकेट के तीन फॉर्मेट होते हैं तीनों में, T20, वनडे और टेस्ट में, तो ये हैं आपके भारत हमारा, ओके। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द 108 फीट स्टेचू ऑफ वननेस ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य अनवेल्ड, आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है 108 फीट की, जिसका नाम क्या रखा गया है, स्टेचू ऑफ वननेस, इसे किस स्टेट में, किस राज्य में इसका अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंडर नारी शक्ति विधान एक्ट, अभी जो हाल ही में नारी शक्ति विधान एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, इसके तहत जो रिजर्वेशन दी गई है वुमेन्स को, है ना, लोकसभा में उनके उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है, कितने परसेंट सीट जो है ये रिजर्व किया गया है लोकसभा में, तो इसका आंसर है आपका 33%, ओके। नेक्स्ट है, एरिका रोबिन हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट फॉर विच कंट्री, तो ये है आपकी, एक मिनट, पाकिस्तान की, ओके। नेक्स्ट है, पायल छाबरा ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन पारा कमांडो,
पायल छाबरा ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है और ये कंट्री की पहली वुमेन पारा कमांडो बनी है। ओके नेक्स्ट है, इन विच स्टेट स्कूल ऑफ एमिनेंस हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली। स्कूल ऑफ एमिनेंस किस स्टेट में अभी स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है आपको पंजाब में। ओके नेक्स्ट है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है आपको गोवा में। ओके गोवा में। नेक्स्ट है, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी सिटी है जो बन गई है, तो है आपकी सांची। सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ओके एमपी में, और ये इंडिया की पहली सोलर सिटी बन गई है। ओके हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ये है आपकी एकता कपूर। ओके नेक्स्ट क्या है, काजी फैज ईसा हैज बिकम द 29th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। काजी फैज ईसा है ये 29वां चीफ जस्टिस बने हैं, कहाँ का, तो ये बने हैं आपके पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, 29वें चीफ जस्टिस बने हैं काजी फैज ईसा। ओके नेक्स्ट है, विच इंडियन एयरलाइंस हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन नाम की प्रोजेक्ट कौन सी भारतीय एयरलाइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपको एयर इंडिया के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रशियाज वैगनर ग्रुप एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऐसी कंट्री है, देश है, जिसने रशिया की जो वैगनर ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी है, तो यह है आपकी ब्रिटेन। ओके ब्रिटेन ने रशिया की जो वैगनर ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट है, वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन 22nd सितंबर फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, हर साल 22 सितंबर को, और ये किस डिजीज से लड़ रहे पेशेंट्स के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको कैंसर से लड़ रहे जो पेशेंट है ना, और उनके लिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। ओके नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 21st सितंबर 2023। जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसका थीम इस साल क्या था। इस साल इसका थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इसका इस साल थीम था। ओके नेक्स्ट है, विच फीमेल क्रिकेटर हैज रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर फॉर अगस्त 2023। अगस्त 2023 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऑनर किस क्रिकेटर ने, फीमेल क्रिकेटर ने रिसीव किया, तो ये किया गया है आपको एरलेनी केली जो कि आयरलैंड से है। ओके नेक्स्ट है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी उधमपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ओके नेक्स्ट है, होयसाला टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज 42nd साइट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। होयसाला टेम्पल जो है इसे है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित किया गया है, और ये भारत का 42वां साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो होयसाला टेम्पल जो है ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके नेक्स्ट है, द नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड टू, है ना, जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है आपको
संविधान सदन। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन साइट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, है ना, कौन सी ऐसी भारतीय साइट है अभी जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो यह है आपका शांति निकेतन। ओके, नेक्स्ट है, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन टू आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन एंड लेबरर फ्रॉम 17 सितंबर 2023। भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं या फिर लेबर हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मेंस एशिया कप 2023। मेंस एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन September 15, 2023। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसकी थीम थी, इसकी इस साल थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये इस साल इसकी थीम थी। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द इंडियन बॉलर हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन द ODI एशिया कप। ODI वन डे एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन हैं? तो ये हैं आपके सी रविंद्र जडेजा। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन US ओपन 2023। US ओपन जो टेनिस गेम होती है उसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको कोको गॉफ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन गिवन द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर ईयर 2023। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जनरली साइंटिस्ट को दिया जाता है, और इस साल ये कितने साइंटिस्टों को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको 12 साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल इन US ओपन 2023। US ओपन 2023 में मेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको नोवाक जोकोविच के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो कौन से सिटी में भारत के पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है? तो ये है आपका ये बेंगलुरु में। ओके, हु हैज बीन ऑनर विद द डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड फॉर ईयर 2023। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2023 के लिए? तो ये किया गया है आपको सत्यजीत मजुमदार को। ओके, नेक्स्ट है, विच ब्यूटी हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। मिस है ना इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको प्रवीणा अंजना के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच फुटबॉल टीम हैज वोन द टाइटल ऑफ डरंड कप 2023। डरंड कप का टाइटल जीतने वाला फुटबॉल टीम कौन सा है? तो ये है आपका डी मोहन बगान SG, इसने डरंड कप 2023 का टाइटल जीता है 2023 का। ओके, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर 2023। व्हाट इज इट्स नेम? इंडिया का पहला सोलर मिशन लॉन्च किया गया कब? 2 सितंबर 2023 को। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य सूर्य देवता को बोलते हैं, उनके नाम पे आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। ओके, विच इंडियन पर्सन इज अमोंग द 4th जॉइंट विनर ऑफ रमन मैंगसे अवार्ड ऑफ द ईयर 2023, है ना, रमन मैंगसे अवार्ड जो दिया गया है 2023 में, चार लोगों को दिया गया है। ओके,
इसमें जो इंडियन है वो कौन है? तो यहाँ इंडियन जो है वो है डॉक्टर रवि कानन आर, इनको रमन मैगसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, इसे एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये है आपका जया वर्मा सिन्हा। ओके, बी। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल आईएफएस ऑफिसर इन पाकिस्तान? भारत की पहली महिला आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान के लिए कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी बी गीतिका श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट है, विच ब्यूटी हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको प्रियान सेन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एथेनॉल पावर्ड कार? एथेनॉल पावर्ड कार लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है आपका डी भारत। ओके, इंडिया। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके नीरज चोपड़ा। ओके, बी। नेक्स्ट है, व्हाट विल द प्लेस वेयर चंद्रयान 3 मून लैंडर हैज लॉन्च बी कॉल्ड नाउ? जहाँ पे चंद्रयान 3 जो मून लैंडर है वो लैंड किया है, उस प्लेस को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति। ओके, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है जहाँ पे चंद्रयान 3 का जो लैंडर था वो लैंड किया। ओके, जो ये लैंडर था जिसमें से रोवर निकला, तो लैंडर जिस प्लेस पे उतरा चंद्रमा के, उस प्लेस का नाम क्या कर रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ओके, व्हाट विल द पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 हैज लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट बीन कॉल्ड नाउ? जहाँ पे चंद्रयान जो 2 था, जहाँ पे वो उतरा था, है ना, या फिर जहाँ पे वो फेल होकर क्रैश हुआ था, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? उस पॉइंट का नाम रखा गया है आपका तिरंगा पॉइंट, जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंड किया था। ओके, और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, ऑन विच डेट द पीएम मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बोला गया है कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा हर साल, किस दिन को? तो ये आपका 23 अगस्त को हर साल हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? किस एक्टर को 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी थी उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये है आपका सी अल्लू अर्जुन को। ओके, नेक्स्ट है, विच सिटी हैज गोट द फर्स्ट प्लेस्ड अमंग द सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? ओके, तो कौन सी ऐसी सिटी है इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में? ओके, और इसकी पॉपुलेशन क्या है? 10 लाख से ज़्यादा है। तो ये है आपकी बी इंदौर। इंदौर कहाँ है? एमपी में। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन सिलेक्टेड एज न्यू मेंबर कंट्री जो ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप के नए मेंबर के रूप में कितने कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया है? तो ये किया गया है आपको 6 कंट्रीज को। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल बीन ओपेंड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल भारत में प्रथम कहाँ पे खोला जाएगा, किस स्टेट में ये ओपन किया जाएगा? तो ये
केरला में ओपन किया जाएगा। ओके नेक्स्ट है, विच इंडियन रेसलर वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किस इंडियन रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है आपको बी अंतिम पेंगल के द्वारा, लास्ट ने अंतिम पेंगल के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। ओके नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र। ओके पीएम किसान जो योजना लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति साल है ना किसानों को, उसके लिए चैटबॉट एआई चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चैटबॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, किसान ई मित्र। ओके इसे लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया गया है आपको कैलाश चौधरी के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नोबेल ऑथर्स नोबेल वेस्टर्न लेन हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 2023। वेस्टर्न लेन जो कि एक इंडियन ओरिजिन ऑथर के द्वारा लिखा गया है और जिसे सेलेक्ट किया गया था बुकर्स प्राइज 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो ये लेखक कौन है? तो ये लेखक है आपके चेतना मारू। ओके नेक्स्ट है, हु हैज बीन चूजन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर डोमेस्टिक इंटरनेशनल सीजन। ओके बीसीसीआई के द्वारा जो कि भारत की जो क्रिकेट कंट्रोल एजेंसी है ना, वो ऑफिशियली किसके साथ पार्टनर किया है ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो सीजन्स है उसके लिए भागीदारी निभाई जा सके, तो ये जो पार्टनरशिप है ये किनके बीच में हुआ है, तो ये हुआ है आपके बीसीसीआई एंड एसबीआई लाइफ के साथ। ओके व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके शांति दिवस है ना, विश्व शांति दिवस से सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 सितंबर को। ओके नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज हैज द नेशनल साइंस अवार्ड बीन अनाउंस्ड। नेशनल साइंस अवार्ड जो दिया जाता है ये कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? ओके तो ये दिया जाता है आपको बी 4 कैटेगरीज में। ओके नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द वीजा सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री, भारत सरकार ने वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया गया है किस कंट्री के सिटीजन्स के लिए? तो इसका आंसर है आपका कनाडा का। ओके नेक्स्ट है, विच प्लेयर वोन द गोल्ड मेडल इन वेमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, इसमें किस प्लेयर ने वेमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है आपको एल्बनील वेलरियन के द्वारा। ओके एल्बनील वेलरिवन के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, रिसेंटली स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, स्किल ऑन व्हील नाम की जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज के द्वारा, स्किल ऑन व्हील नाम की इनिशिएटिव लॉन्च की गई जिसके माध्यम से युवाओं को क्या दी जाएगी, स्किल प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उन्हें रोजगार मिल सके, लिवलीहुड मिल सके। ओके नेक्स्ट है, हु अनवेल्ड द ई बुक टाइटल पीपल G20 ऑन इंडिया G20 चेयरमैनशिप। इंडिया के जो प्रेसिडेंसी में G20 का आयोजन हुआ उस पे ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, पीपल्स G20। ओके इसे किसके द्वारा अनवेल किया गया है? ओके तो यहाँ पे आंसर जो है वो डी है, अपूर्व चंद्र के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, यशोभूमि इंडियाज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यशोभूमि नाम की एक इंडिया इंटरनेशनल
कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, ये किस राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरीज में स्थित है? तो ये है आपकी डी, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड। नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई है, और एक कहाँ पे लॉन्च की गई है, किस स्टेट में ये लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बीन स्टार्टेड। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना नाम की योजना लॉन्च की गई है, और ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन द इंडियन बॉलर हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन एशियन कप। एशियन कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर कौन है? तो ये है आपके बी, रविंद्र जडेजा। ओके, नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल ऑफ फिफ्थ नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चेयर चैंपियनशिप 2023। फिफ्थ नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको महाराष्ट्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच प्लेयर वोन द मेन्स सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर 2023। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में है ना, मेन्स सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको किरण जॉर्ज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड डेथ ड्यू टू निपा वायरस इन्फेक्शन। निपा वायरस के द्वारा जो डेथ रिकॉर्ड किया गया है किस स्टेट में किया गया है? तो यह है केरला में। नेक्स्ट है, विच यूनियन हैज बीन इंक्लूडेड एज परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग न्यू दिल्ली G20 समिट। अभी जो G20 की समिट हुई न्यू दिल्ली में भारत में, इसमें किस यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया G20 का? तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया न्यू दिल्ली G20 समिट में। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द G20 समिट इंडिया हैज हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू बी हेल्ड इन ईयर 2024 टू विच कंट्री। अभी जो 2023 में जो G20 हुआ, इसको भारत ने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया। अब जो है ना 2024 में जो G20 का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपकी ब्राज़ील में। तो प्रेसिडेंसी जो है भारत ने ब्राज़ील को दे दिया है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द मोबाइल ऐप सरपंच संवाद अनवील्ड। सरपंच संवाद नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, किस स्टेट में ये लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है असम में। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू पॉलिसी फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के लिए नई पॉलिसी लॉन्च किया गया है किस इंडियन स्टेट के द्वारा? तो ये लॉन्च की गई है आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा, नई पॉलिसी लाई गई है सब सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C-20 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स। कौन सी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडियन एयरफोर्स को है ना, और जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है C-295, जिससे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है ना है, ये इसकी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शुरू कर दी है। तो ये जो C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये बनाई जाती है आपको एयरबस के द्वारा, एयरबस ने इसकी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शुरू कर दी है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड। G20 की सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप जो हुई वो कहाँ पे इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई? तो ये ऑर्गेनाइज की गई आपको वाराणसी में, बनारस में, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। भारत के कौन से ऐसे फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर हैं जो है ना
150 विकेट लिए हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो ये है आपके कुलदीप यादव। ओके, विच प्लेयर हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ओडीआई में फास्टेस्ट 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके विराट कोहली। ओके, विथ हुम द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है आपका नायरा एनर्जी के साथ। ओके, नेक्स्ट है, हु लॉन्च द वन वीक वन लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच प्लेयर वन द मेन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर्स 2023। इंडोनेशिया मास्टर 2023 का जो सिंगल मेन सिंगल का खिताब है, ये किसने जीता है? तो ये जीता गया आपको किरण जॉर्ज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ सेफ U16 चैंपियनशिप 2023। सेफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है आपको भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपको HS प्रणय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ एशियन कोस्टल गार्ड एजेंसी हेल्ड। एशियन कोस्टल गार्ड एजेंसी की जो हेड्स की मीटिंग जो थी, ये कहाँ पे संपन्न हुई? तो ये हुई आपकी इस्तांबुल में। ओके, नेक्स्ट है, वेयर विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना? तो ये किया गया आपको चेन्नई में, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 को किस कंट्री ने होस्ट किया? तो ये किया गया है इजिप्ट के द्वारा, मिस्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज द 20th एशियन इंडिया समिट बीन ऑर्गेनाइज। 20th एशियन इंडियन समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023। G20 समिट जो 2023 में हुआ, कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। इसकी थीम क्या थी, विषय क्या थी? ये था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दैट मीन्स वसुधैव कुटुंबकम। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च द ओरिसिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट। ओरिसिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट किस कंट्री के स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको USA की जो स्पेस एजेंसी NASA, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, हु हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम। ओके, 19th एशियन गेम के ऑफिशियल स्पॉन्सर जो होंगे इंडियन कंटिजेंट के, वो कौन है? तो ये है आपके अमूल। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट ऑर्गेनाइज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। कितने देशों को इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट कंट्री, है ना, G20 की जो समिट हुई है ना भारत में, उसके लिए कितने कंट्रीज को एज ए गेस्ट कंट्रीज इनवाइट किया गया था? तो ये थे आपके नौ देश। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया इज फर्स्ट UPI ATM हैज बीन लॉन्च्ड बाय। इंडिया का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया बजाज फाइनेंस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीचर वेयर ऑनर्ड विथ नेशनल अवार्ड
ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। टीचर्स डे के ओकेजन पे कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स डे टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके डी 75। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? इंडिया की पहली एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो ये है आपके सी इंद्रजाल। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज द साइंटिस्ट हु वॉच्ड द काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 पास्ट अवे रिसेंटली? चंद्रयान 3 के लिए जो काउंटडाउन था उसको आवाज़ दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, है ना, वो कौन थे? तो ये थे आपके एन वलरामथी। ओके, नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ मेन्स हॉकी 5S एशियन कप? मेन्स हॉकी 5S एशियन कप की जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023? ज्यूरिक डायमंड लीग जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो ये इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड गृह लक्ष्मी योजना फॉर वुमेन? वुमेन्स के लिए गृह लक्ष्मी योजना किस स्टेट ने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया गया था आपको कर्नाटका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द बैटल शिप महेंद्रगिरी? महेंद्रगिरी नाम की जो बैटल शिप है इसे किस शिप बिल्डर्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? किस स्टेट ने मोबाइल वैन प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, दी चौस्थ योनी टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? चौसठ योनी नाम की जो टेम्पल है जो अभी हाल ही में न्यूज में रही, ये किस स्टेट या यूटी में स्थित है? तो ये है आपके डी मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको डॉक्टर सोनाली घोष को। ओके, नेक्स्ट है, पीएम उषा कैंपेन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू? पीएम उषा नाम की एक कैंपेन है जो अभी न्यूज में रही है ना, ये किससे रिलेटेड है? ओके, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है पीएम उषा कैंपेन। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्लूडेड सैनिटेशन वर्कर इन आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सैनिटेशन जो वर्कर होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये इंक्लूड किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन रिसेंटली बिन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन को इंक्लूड किया गया है। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये है आपके श्रीनगर में। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून? कौन सा ऐसा देश है जो अभी पहला ऐसा देश बन गया है जो मून के साउथ पोल में लैंड किया है? तो है हमारा भारत। ओके, चंद्रयान 3 के तहत हमने साउथ पोल में लैंडिंग की है। ओके, हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज नेशनल आइकन?
है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा है ना नेशनल आइकन किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। ओके नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपको जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ओके नेक्स्ट है, व्हाट नेम हैज इसरो गिवन टू रोवर सेंट विद चंद्रयान थ्री मिशन। चंद्रयान थ्री मिशन के साथ साथ जो रोवर भेजा गया है उसका नाम इसरो ने क्या रखा है, उसका नाम रखा गया है आपका प्रज्ञान रोवर। ओके नेक्स्ट है, इंडियन कोस्टल गार्ड हैज साइंड एन एमओयू विथ विच कंट्री टू इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन। तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने किसके साथ है ना, किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके, तो ये जो एग्रीमेंट है साइन हुआ है आपका फिलीपींस के साथ। ओके, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है श्रेथा थाविशिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ओके नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन रिनेम्ड एज खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग। ओके नेक्स्ट है, द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। ब्रिक्स ग्रुप की अभी 15वीं समिट चल रही है, ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम। ओके चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ चेस वर्ल्ड कप। भारत के दूसरे भारतीय है ना कौन बन गए हैं जो चेस वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच सके हैं, तो ये है आपके आर प्रज्ञानंद। ओके नेक्स्ट है, वेयर हैज द G20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज। 20th जो एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये हुआ है आपको इंडोनेशिया में। ओके नेक्स्ट है, विच इंडियन वोन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता गया है आपको सी अनाहत सिंह के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक अवार्ड है, इसका नाम क्या है, उद्योग रत्न अवार्ड। ये अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको रतन टाटा जी को। ओके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव है उद्योग रत्न अवार्ड का, और ये रतन टाटा जी को अभी दिया गया है। नेक्स्ट है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह है गोवा। ओके नेक्स्ट है, शत्रुजीत सिंह कपूर हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। जो शत्रुजीत सिंह कपूर हैं ये किस स्टेट के नए डीजीपी बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपको हरियाणा स्टेट के नए डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। ओके विच कंट्री हैज वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किस कंट्री ने जीता है, तो ये जीता गया है आपको
स्पेन के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 बीन डेवलप। नमो 108 नाम की एक वेराइटी है लोटस फ्लावर की, इसे डेवलप किया गया है और इसे किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ओके ये लोटस फ्लावर जो होती है ना उसकी एक वेराइटी है नमो 108। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज क्वालिफाइड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर। ओके तो कौन से ऐसे इंडियन ओरिजिन लीडर हैं जिन्होंने सिंगापुर के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको क्वालिफाई किया है? तो ये हैं आपके बी थर्मन संगमुंगरत्नम। थर्मन संगमुंगरत्नम जी हैं, ये इंडियन ओरिजिन लीडर हैं जिन्होंने सिंगापुर की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको क्वालिफाई किया है। ओके व्हाट रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन 16th इंटरनेशनल ओलंपिक ओलंपियड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो 16th इंटरनेशनल ओलंपियड जो हुआ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की, उसमें भारत की रैंक क्या रही? तो वो है आपकी बी सेकंड। ओके नेक्स्ट है, विच इंडिपेंडेंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इंडिया ऑन अगस्त 15, 2023। जो 15 अगस्त 2023 जो सेलिब्रेट किया गया एज ए इंडिपेंडेंस डे, ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे था? तो ये था आपका बी 77th इंडिपेंडेंस डे था। ओके नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज एडेक्स। एडेक्स नाम की जो स्कीम है, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज है, ये रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, विच हॉकी टीम हैज रिसेंटली वॉन दी मेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 टाइटल। मेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस हॉकी टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत के द्वारा। ओके नेक्स्ट है, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फाइंड आउट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक। तो ऐसे डिपॉजिट हैं जिनका कोई क्लेम नहीं है, है ना, ऐसे डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उद्गम पोर्टल। ओके नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन रनर हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के चलते कौन से ऐसे इंडियन रनर हैं जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो यह है आपकी सी दूती चंद। दूती चंद ऐसी इंडियन रनर हैं जिन्होंने डोपिंग का इस्तेमाल किया था और इसके चलते इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ओके नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो यह है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का ऐसा पहला बैंक है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ओके नेक्स्ट है, विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन अगस्त 8, 2023। है ना, 8 अगस्त 2023 को, है ना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना, तो हम जो 8 अगस्त 2023 को क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, ये कौन सी एनिवर्सरी थी? तो ये जो एनिवर्सरी थी आपकी वो थी 81st एनिवर्सरी। ओके क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ओके नेक्स्ट है, इंडियन प्लेयर मनोज तिवारी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनोज तिवारी ने रिटायरमेंट ले लिया है और ये किस गेम से रिलेटेड थे? तो ये रिलेटेड थे आपके
ये रिलेटेड थे आपके क्रिकेट से। ओके नेक्स्ट है, इंडिया इज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जिसका इनॉग्रेशन किया गया है कहाँ पे? बैंगलोर में। बैंगलोर में ये बनी है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये, बिल्डिंग है ये, है ना। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फोर्थ इंडियन कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके मोहित कुमार। ओके नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन यूथ हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जो है 2023 के लिए भारत के कितने यूथ्स को नॉमिनेट किया गया है? तो ये हैं आपके 5। ओके पाँच। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज लॉन्च विच ऐप फॉर सीफेरर्स। सीफेरर्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, मोबाइल एप्लीकेशन, किसके द्वारा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपका? समुद्र। ओके इंडिया हैज साइन MOU विथ विच कंट्री टू शेयर इंडिया स्टेक। इंडिया स्टेक को शेयर करने के लिए भारत ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। ओके रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट विथ एन आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज। यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया है कि जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है इसे एक्सपेंड किया जाएगा, और एक्सपेंड करके कितना इसे किया जाएगा? तो ये एक्सपेंशन है आपका 14,903 करोड़ का। ओके नेक्स्ट है, वेयर वाज द U20 समिट ऑर्गेनाइज अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। Y20 जो U20 समिट है ना, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो ये ऑर्गेनाइज की गई आपकी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ओके नेक्स्ट है, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन कोलेबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मेटी के द्वारा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ए हेल्प प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड। ए हेल्प प्रोग्राम नाम की एक इनिशिएटिव है जिसे स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे? तो स्टार्ट किया गया है गुजरात में। ओके नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्टार। तो साइंटिस्ट जो है कौन से इंस्टीट्यूट के जिन्होंने एक नया स्टार को खोज की है? तो ये हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट एक नए तारा की खोज किए हैं। ओके नेक्स्ट है, इन विच सिटी द G20 फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। ओके नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैज बीन रिनेम्ड एज। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम रख दिया गया है। ओके नेक्स्ट है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है इसके अवसर पे प्रेसिडेंट ने कितने वीरता अवार्ड को अप्रूवल दी? तो ये है आपके 76 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई प्रेसिडेंट के द्वारा 77वें इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। ओके नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन। सन को स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। ओके आदित्य L1।
नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। किस कंट्री ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता है? तो ये जीता गया है आपको भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। ओके नेक्स्ट है विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस फॉर इंडिया एट द एज ऑफ 20 और यंगर इन T20 आईज, है ना। तो किस प्लेयर है, किस प्लेयर ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं, है ना, भारत के लिए 20 साल की उम्र में, है ना, और सबसे यंगर है T20I में, है ना। तो ये हैं आपके बी, तिलक वर्मा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसे इलेक्ट किया गया है? तो ये इलेक्ट किया गया है आपको अनवरुल हक काकर को। नेक्स्ट है विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका उल्लास, उल्लास नाम की जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया गया है। ओके नेक्स्ट है हु हैज बीन गिवन लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर ईयर 2023। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको नरेंद्र मोदी जी को। ओके जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 का दिया गया है। ओके नेक्स्ट है विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज रिसेंटली बिकम द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेरिकन फाइनेंस एजेंसी। अमेरिकन फाइनेंस एजेंसी की, है ना, जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस इंडियन ओरिजिन की एक महिला को बनाया गया है? तो ये है निशा विश्वाल। ओके नेक्स्ट है द असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट। किस स्टेट की असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और रिक्वेस्ट किया है उस रेजोल्यूशन के माध्यम से सेंटर से कि वो उस स्टेट का नाम बदल दे। तो ये केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है, ये चाहता है कि, है ना, जो स्टेट है जिसका नाम क्या है केरला, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाए केरलम। ओके नेक्स्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू इंक्रीज द पेमेंट लिमिट फॉर UPI लाइट टू हाउ मच। RBI ने प्रपोज किया है कि जो UPI लाइट के थ्रू जो पेमेंट किया जाता था उसका लिमिट बढ़ा दिया जाए, और लिमिट बढ़ाए कितना कर दिया जाए, 500 कर दिया जाए, पहले कितना था 200। ओके नेक्स्ट है हु हैज बीन गिवन द टेक स्टार्टअप ऑफ ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड एट द 13th एनुअल एंटरप्रेनर इंडिया अवार्ड। तो किसे दिया गया है टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड, कहाँ पे, 13th एनुअल एंटरप्रेनर्स इंडिया अवार्ड जो फंक्शन हुआ उसमें। तो ये दिया गया है आपको जियो हैप्टिक को। ओके नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया की पहली पोस्ट ऑफिस LOC के नज़दीक जो इनॉग्रेट किया गया है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर का? तो ये है आंसर इसका बी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो LOC के सबसे नज़दीक पोस्ट ऑफिस ओपन किया गया है इंडिया का। ओके राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन ग्रांटेड GI टैग। जो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट है, एक तरह की क्राफ्ट है, इसे GI टैग अभी प्रदान किया गया है। ये कहाँ की क्राफ्ट है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की एक क्राफ्ट है। ओके व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंटरनेट रिजिलियंस इंडेक्स। इंटरनेट रिजिलियंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो ये है आपका डी, सिक्स्थ प्लेस है। ओके
नेक्स्ट है विच नेशन वाइड कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑनर ऑफ मैटर्ड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ कंट्री, जो शहीद जवान हैं उनको ऑनर करने के लिए कौन सा कैंपेन अभी चलाया गया पूरे भारत में? तो ये है आपका मेरी माटी मेरा देश, ये कैंपेन चलाया गया। ओके नेक्स्ट है इन द असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज ए रेजुलेशन बीन रिसेंटली पास्ड अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है हमारे DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। ओके तो कौन सी ऐसी असेंबली है भारत की जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए? आंसर है इसका एक केरला, केरला ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन T20I क्रिकेट, दूसरे सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाया है T20I क्रिकेट में? तो आंसर है आपका ये तिलक वर्मा। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ शॉर्ट फिल्म मेड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम, एशियन गेम में जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हल्ला बोल। ओके नेक्स्ट है विच पेयर वोन द गोल्ड मेडल इन SL3 SL4 कैटेगरी इन पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023, जो पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 जो ऑर्गेनाइज हुआ इसमें किस जोड़ी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है SL3 SL4 कैटेगरी में? तो ये है आपके प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ओके नेक्स्ट है हाउ मेनी रूपी हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन विलेज अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनियन कैबिनेट ने है ना कितने करोड़ रुपए की अप्रूवल करी है ना ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विलेज में प्रोवाइड किया जा सके? इसका आंसर है आपका सी 1.39 लाख करोड़। नेक्स्ट है विच लीडर्स लोकसभा मेंबरशिप हैज रिसेंटली बीन रीस्टोर्ड बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा कौन से ऐसे लीडर है जिनका लोकसभा की मेंबरशिप को फिर से रिज्यूम कर दिया गया है? तो ये हैं आपके राहुल गांधी, इनके जो मेंबरशिप था लोकसभा का उसको सस्पेंड कर दिया गया था, अभी फिर से इनको रिज्यूम कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर हैज वोन द डबल टाइटल इन वुमेन्स टेनिस हार्ड कोर्ट इवेंट इन स्पेन, कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी वुमेन्स डबल टाइटल जीता है स्पेन में जो हो रहा था अभी? तो ये हैं आपके प्रार्थना थाम्बोरे। ओके नेक्स्ट है विच इंडियन हैज बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन आर्चरी एट द यंगेस्ट एज, जो तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे कम उम्र में कौन से ऐसे भारतीय हैं जो बने हैं? तो ये हैं आपके अदिति स्वामी। ओके हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कितने ऐसे स्टेशन है भारत के इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा? इसका सही आंसर है आपका सी 508। ओके नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर, इंडिया का नंबर वन चेस प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके गुकेश डी। ओके नेक्स्ट है हु जॉइंटली लॉन्च द स्टडी इन इंडिया पोर्टल, स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको एस जयशंकर एंड धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बाय हुम हैज द मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा हैज बीन लॉन्च्ड, तो ये राजमार्ग यात्रा नाम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं हाईवे पे उनको
जो फैसिलिटीज होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, आपका एटीएम हो गया, आपके पेट्रोल पंप हो गए, इसकी जानकारी प्रोवाइड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय DGCA फॉर ड्रोन ट्रेनिंग। तो अभी अभी हाल ही में कितने ऐसे रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अप्रूवल दिया गया है DGCA के द्वारा? आंसर है आपका बी, 63। ओके, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नया सवेरा योजना? नया सवेरा योजना किस मिनिस्ट्री की एक पहल है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की। ओके, ये आंसर। नेक्स्ट है, बाय हुम हैज द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश मिसाइल बीन मैन्युफैक्चर्ड? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है आकाश मिसाइल, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है? तो इसका सही आंसर ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विथ हुम हैज ट्राई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में कॉपरेशन के लिए ट्राई ने किसके साथ एक एग्रीमेंट किया है? तो ये किया गया है आपको डी, सी डॉट के साथ। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ इंडिया इंडियन T20 टीम फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड के टूर के लिए इंडियन T20 जो टीम है उसके कैप्टन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको जसप्रीत बुमराह को। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज द G20 इम्पावर समिट बीन ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? G20 इम्पावर समिट की जो समिट थी, इसे किस सिटी में आयोजित किया गया है भारत में? तो ये किया गया है आपको गांधीनगर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, जो आगे की जो MCQs है उसे हम और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।